भाई लोग आज बात करने पर है आज भी स्मैकडाउन के बारे में। आज के स्मैकडाउन में तो अपने मैच रिजल्ट ने तबाही मचा दी और गाइस ड्रू मैकइंटायर ने भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस स्मैकडाउन की शुरुआत न्यू डे के शो की सेगमेंट का होता है। गाइस न्यू डे ने शुरुआत करते हुए कोलंबिया में मौजूद फैंस की तारीफ की, उन्होंने अच्छी प्रतिक्रिया मिली। बाद में उन्होंने सेमस रिज हॉलैंड और बच की टीम का नाम ब्रॉलिंग बुट्स का मजाक बनाया। उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को लाया, उन्होंने आते ही बताया कि रोमन रेंस को यूनाइटेड किंगडम में होने वाले शो में चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। स्कॉटिश सुपरस्टार ने बिगी की भी तारीफ की और फिर न्यू डे ने उन्हें टी शर्ट गिफ्ट कर दी। इसी बीच अपने ब्रॉलिंग वुड्स ने एंट्री किया और बच ने आकर न्यू डे और मैकइंटायर पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन वो सफल नहीं रहे। इसके बाद अपने कॉफी किंगस्टन जेवियर वुड्स और ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेमस रिज हॉलैंड और बच का मैच होता है। गाइस यहाँ पे कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं गाइस, यहाँ पे अपने सेमस रिज हॉलैंड और बच की जीत हो जाती है गाइस। और गाइस कल अपने शॉर्ट जी रेचल रोडी ग्रोज और आलिया वर्सेस नटालिया साइना बल्लर और जायरा ली के बीच मैच होता है। गाइस गाइस जो भी विजेता होगा गाइस जो वुमेन चैंपियनशिप का मैच उसके साथ देखने को मिले। गाइस गाइस यहाँ पे सभी को गाइस शॉक करते अपने नटालिया की जीत हो जाती है। गाइस यहाँ पे लग रहा था कोई दूसरे सुपरस्टार जीतेंगे, लेकिन गाइस यहाँ पे अपनी शॉर्ट जी को पिन करते हुए नटालिया की जीत। तो गाइस जब आने वाले फिल्म नटालिया वर्सेस रोडी का मैच देखने को मिले। गाइस शो के मेन इवेंट में द उसोज वर्सेस विडर और सुनसु नाकामुरा के बीच अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने मिलता है। गाइस गाइस यह टैग टीम मैच जबरदस्त रहा और इस शो का सबसे अच्छा मैच कहा जा सकता है। गाइस इस मैच के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब द उसोज ने नाकामुरा के पैरों पर भी हमला कर दिया, इसी वजह से वो चोटिल हो गए और उन्हें मेडिकल स्टाफ में ले जाकर बैक स्टेज चले गए। लेकिन गाइस रिडल काफी गुस्से में दिखाई दिया, रिडल ने सोचा कि अकेले ही लड़ेंगे अपने उसोज के साथ। गाइस यहां पे रिडल ने अकेले पूरी तरीके से हालत टाइट। गाइस क्या होता है अपने रोमन रीज के कारण से थीम सॉन्ग प्ले हो जाती है। गाइस इससे क्या होता है अपने मैच रिडल का ध्यान भटक जाता है और जय उसो ने उसका फादर डाटा उन्हें स्प्लैश लगा दिया और पिन करते हुए जीत दर्ज कर दी। मैच के बाद गाइस पता चलता है कि सैमी जेन ने प्रोडक्शन टीम की मदद से रोमन रीज का थीम सॉन्ग बजाने में सफल रहे थे। मैच के बाद सैमी ने एंट्री का उसो के साथ सेलिब्रेशन किया, लेकिन गाइस क्या अपने मैच रिडल ने सैमी जेन उसो सभी की हालत टाइट कर दी, लेकिन अब दूसरे लाके से रोकते हैं। गाइस इस तरीके से गाइस आज का स्मैकडाउन खत्म हुआ। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।